we all are aware of the things that is known as tense. हम सभी लोगों को मालूम है. Everybody, yes or no? Yes, yes, sir. लेकिन एक और चीज होती है जिसके बारे में अब हमको थोड़ा जानना है और वो चीज है टाइम. टेंस और टाइम सुनने में आपको एक जैसा लगता है लेकिन ये दो चीजें हैं. तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ टेंस एंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ टाइम. टाइम क्या है और टेंस क्या है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं. इफ आई कुड यू गिव यू अ क्विक रीकैप ऑफ द थिंग्स, तो तुम्हें मालूम है कि हम लोगों ने टेंस को तीन कैटेगरी में बांटा था. कौन कौन सी कैटेगरी थी हमारी टेंस की? कौन कौन सी कैटेगरी थी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड फ्यूचर. ये हमारी तीन कैटेगरी थी. बाद में इन कैटेगरीज को हम लोगों ने अलग अलग चार सब कैटेगरीज में बांट दिया था. एवरीबडी यस नो? यस सर. हम लोगों ने इसको चार सब कैटेगरीज में बांटा था और वो कैटेगरी क्या थी? सिंपल, जिसका कि दूसरा नाम इनडेफिनेट. एवरीबडी यस नो? यस सर. दूसरी कैटेगरी थी कॉन्टिन्यूस, जिसका कि दूसरा नाम प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट भी था. तीसरी कैटेगरी थी हमारी परफेक्ट और चौथी कैटेगरी हमारी होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. एवरीबडी यस नो? तो अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये 12 टेंस की कैटेगरी बनती है. तीन टेंस की कैटेगरी, चार उसकी सब कैटेगरी एंड इंक्लूडिंग कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, ऑल टुगेदर देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस? 12 कैटेगरीज हमारे को मिलती है. ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. बट देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल इट एज टेंस एंड टाइम. टेंस की 12 कैटेगरी होती है लेकिन ये बात हम लोग पढ़े हुए भी हैं. इसको हम लोगों ने एक्टिव फॉर्म में भी देखा है और पैसिव फॉर्म में भी देखा है. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें धकेल रहा हूं और तुम्हें मेरे द्वारा धकेला जा रहा है. मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम्हें मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है. ये हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कवर किया है. बाद में हम लोगों ने इसका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन भी कवर किया था. यस नो? अजय सेड आई वॉज गोइंग टू मार्केट और बाद में आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया. दैट अजय टोल्ड दैट ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, अब हम बात कर रहे हैं टाइम की. टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम इज समथिंग डिफरेंट. टाइम और टेंस का फर्क है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. एम आई क्लियर द पॉइंट? और अगर आप समय की बात करेंगे तो आई एम गोइंग यानी सर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, तो टेंस कौन सा है? आई एम गोइंग टू दिल्ली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. लेकिन अब ये टाइम कौन सा हो गया? आने वाला समय हो गया. आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ. अभी तो मैं चुपचाप बैठा हूं, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैं सो रहा हूं, अभी तो मैं खेल रहा हूं, ये तो मैं वहां जाऊंगा. एवरीबडी एम आई क्लियर? सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि अभी जो मैंने तुम लोग को एक स्ट्रक्चर दिया है कि मैं ये काम करने वाला हूं, अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि मैं बाजार जाता हूं, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जिसे आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. और अगर मैं कहूं कि मैं बाजार जा रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. और अगर मैं बोलूं मैं बाजार जाऊंगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. लेकिन जब मैं तुमको सेंटेंस कहता हूं कि मैं बाजार जाऊंगा, तो तुम इसका मतलब निकालते हो कि सर आपने कहा है इसके बाद आप ये काम करेंगे, यानी ये फ्यूचर टेंस है. एवरीबडी यस नो? और फ्यूचर में भी सिंपल है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. लेकिन इसी बात को कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं टेंस का फॉर्मेट चेंज करके टाइम की कैटेगरी में आ जाऊंगा और मैं कहूंगा मैं बाजार जाने को हूं या मैं बाजार जाने वाला हूं. एवरीबडी ये सुनो. अब मैं तुम्हें एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा या मैं अब मैं तुम्हें एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं या अब मैं तुम्हें एक नया टॉपिक पढ़ाने को हूं. सब लोग रेडी हो जाओ. एवरीबडी मैं क्लियर? तो एक ही बात को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका होता है लेकिन ये टेंस के बाहर होता है. तो अभी जो मैंने तुम्हें सेंटेंस दिया है कि मैं ये काम करने वाला हूं, मेड मुझे पानी देने वाली है, सर्वेंट जो है वो रूम को साफ करने वाला है, राजू मोटरसाइकिल स्टार्ट करने वाला है, यानी ये वाला जो काम है ये होने वाला काम है. इसका पैटर्न यानी स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट. क्लियर द पॉइंट्स? क्या होता है हम लोग बात करेंगे. इसमें जुड़ता है इज, एम या आर
और उसके बाद इसमें जुड़ता है 2 प्लस वी वन और उसके बाद सेंटेंस आगे एक्सटेंड होता है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज अमार प्लस 2 प्लस वी वन। अब इंग्लिश ग्रामर में ये जो 2 प्लस वी वन है इसे ग्रामर के तरीके से इन्फिनिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ये भी कह सकता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज अमार प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बोलूंगा तो हो सकता है ग्रामेटिकल टर्म है तो लोगों को समझ में नहीं आया, 2 प्लस वी वन में ज्यादा समझ में आता है। वैसे तुम अपने नॉलेज के लिए याद रखना कि हमेशा 2 प्लस वी वन को इन्फिनिटिव बोलते हैं। जब भी मैं इन्फिनिटिव बोलूं या कोई भी बोले तो समझ जाना कि 2 और उसके बाद वर्ब का मेन फॉर्म यानी पहला फॉर्म लगा देना। एवरीबॉडी अंडरस्टूड द पॉइंट? यस सर। और अब मेरा सेंटेंस है कि मैं बाजार जाने वाला हूं, तो मेरा सब्जेक्ट क्या निकला? आई। मेरा सब्जेक्ट निकला आई। ऑल राइट। और इस एमआर में से आई के साथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम। और अब मुझे क्या लिखना है? टू। और वर्ब क्या है मेरा? काम क्या है? जाना, यानी गो। बस मेरा सेंटेंस बन गया। मेरा सेंटेंस था कि मैं बाजार जाने वाला हूं, लेकिन इसका बेसिक सेंटेंस मैंने बना लिया आई एम टू गो। अब इसके आगे एक्सटेंशन में डाल सकता हूं कि मैं कहां जाने वाला हूं? मार्केट। तो अब मैं डाल दूंगा आई एम टू गो टू मार्केट। अब इसको मैं और बढ़ा सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ बाजार जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू मार्केट विद यू। और बढ़ा सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ आज शाम को बाजार जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू मार्केट विद यू इन द इवनिंग। और बढ़ा सकता हूं, मैं आज तुम्हारे साथ बाजार शाम को मोटरसाइकिल से जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग विद यू बाय मोटरसाइकिल। एवरीबडी मैं क्लियर हो पहुंच। लेकिन जो बेसिक सेंटेंस है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस 2 प्लस वी वन। पुराने बच्चों को ऑलरेडी मालूम है कि जब मैं सब्जेक्ट बोलता हूं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट या कोई भी नाम और एनी इंडिविजुअल पर्सन एंड थर्ड पर्सन दे। इसी के संग लगेगा क्या? आर में से जो भी। फॉर एग्जाम्पल आई के साथ क्या लगेगा? एम। वी के साथ? यू के साथ? यू के साथ? डे के साथ? आर। ही के साथ? इज। शी के साथ? इज। सुजाता के साथ? इज। राजू के साथ? इज। और उसके बाद 2 प्लस वी वन यानी इन्फिनिटिव लगा के हम सेंटेंस बनाएंगे। आई होप दिस गिव्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। एवरीबॉडी एम आई क्लियर? चलिए ऑल राइट, स्टॉप इट।